साइंस ऑफ थप्पड़, ये जो हुआ एपिसोड कल, जो हादसा हुआ, हादसा बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे, इसके पीछे के साइंस की बात करेंगे। इस साइंस को समझाने के लिए मैं एक शब्द का यूज़ करूँगा, खटाखट। खटाखट जो पिछले कुछ दिनों से वैसे भी बहुत प्रचलन में आ गया, इस सिंपल शब्द के माध्यम से इसके पीछे का साइंस, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझ आ जाएगा। और उसके लिए पहला उदाहरण मैं यूज़ करता हूँ, तीन ही एग्जाम्पल लूँगा। इमेजिन कीजिए, एक बिल्ली आपके सामने आती है, वो आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन बिल्ली का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, थोड़ा भी उसको डराएंगे तो बिल्ली भागेगी वहाँ से। अब सिनेरियो ये ले लीजिए कि बिल्ली और आप एक कमरे में कैद हैं और अब उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो वो भागेगी, लेकिन जब बिल्ली को ये क्लियर हो जाएगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो बिल्ली शेर बन जाती है, शेरनी बन जाती है, वो अटैकिंग मोड में आती है। दैट इज़ अ बेसिक इंस्टिंक्ट, इसे कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ दैट एनिमल। वो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो इस तरह से वायर्ड है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ। दूसरा उदाहरण यह है कि मान लो मेरे पास एक चिंगारी है और ये इमेजिन करते हैं केरोसिन है। अब अगर इस चिंगारी को मैं केरोसिन में डालता हूँ तो क्या होगा, वायलेंस, एकदम से आग आ जाएगा। अब जब ये आग बन गया, तो ये आग बन गया तो इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या ये तिली या ये चिंगारी जिम्मेवार है या फिर ये केरोसिन जिम्मेवार है? इसमें दोष किसका है? आप बोलेंगे इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष सिर्फ सर्कमस्टेंस का है। जिस तरह के सर्कमस्टेंस बने, उस तरह के सर्कमस्टेंस में आग लगनी है। एट द सेम टाइम एक और सिनेरियो लेते हैं कि ये तिल्ली है, ये चिंगारी है, लेकिन ये पानी है। अब अगर इस चिंगारी को अगर पानी में डालता हूँ तो अब वो बुझ जाती है, तो अब इसमें जो भी आउटकम आया, इसमें दोष किसका अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे दोष अभी भी किसी का नहीं है, ये सर्कमस्टेंस का दोष है कि इस तरह के सर्कमस्टेंस आएंगे तो आउटकम यही आना है। तो ये जो है, दैट इज़ द बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक इंस्टेंट बिहेवियर है, जो कि आउटकम ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। अगर ये दो चीज़ मिलते हैं तो डिपेंडिंग ऑन उसकी तासीर क्या थी पहले से। अब इसको इंसान से थोड़ा जोड़ के देखते हैं। इमेजिन कीजिए, बहुत छोटा बच्चा, एक साल का, दो साल का बच्चा, उसके सामने बहुत बड़ा एक सांप आ जाता है, तो बच्चा क्या करेगा? क्या आपको लगता है वो डरेगा? वो डरेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे की बेसिक इंस्टिंक्ट अभी बन रही है। इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट या एनिमल की बेसिक इंस्टिंक्ट पहले से तय नहीं होती, धीरे 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 डेवलप होती है, और डेवलप होने में उसके सराउंडिंग, उसके सर्कमस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा होता है। हो सकता है कि बच्चा उस सांप को देखे, उसे लगे कि ये कोई खिलौना है, उसे छूने की कोशिश करे, खेलने की कोशिश करे, खुश हो जाए, उसे अपना दोस्त माने, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज उसके पीछे की बैकग्राउंड मेमोरी उस सांप के बारे में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे दिमाग में सांप के बारे में क्या विचार होने चाहिए, सांप कैसा हो सकता है, कितना डरावना हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है, वो धीरे 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 वो मेमोरीज हमारी बनती है। जब वो मेमोरीज बनती है और एक दिन असली में आपकी आंखों के सामने एक सांप आ जाता, आप यहाँ, वो और सांप सामने, सांप आपको प्रोवोक नहीं भी कर रहा है, लेकिन क्या होगा, खटाखट खटाखट आपके अनगिनत मेमोरीज में से सांप वाले मेमोरी आपके ब्रेन के पहले आपके आंखों के सामने आ जाएंगे, और वो जो खटाखट मेमोरीज आ गई हैं, जो बरसों से धीरे धीरे इकट्ठे हो रही थी, तो उससे आपका बेसिक बिहेवियर, बेसिक इंस्टिंक्ट तैयार होगा। इंस्टिंक्ट क्या, इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, या तो लड़ो या भागो। परसीव्ड थ्रेट, परसीव्ड थ्रेट, एक्चुअल थ्रेट नहीं है, सांप ने कुछ किया नहीं है, लेकिन सांप ने कुछ किया नहीं, लेकिन सांप का इतिहास ने कुछ किया है, उस सांप के इतिहास के हिसाब से आपके दिमाग में मेमोरीज फीड हो गई हैं, और जब वो रियल सर्कमस्टेंस आया तो वो सारी मेमोरीज खटाखट सामने आ गई, और एज ए रिजल्ट आपका जो बिहेवियर है, यू हैव टू चूज बिटवीन फाइट और फ्लाइट। तो 99.99% लोग फ्लाइट को चूज करेंगे, भागो यहाँ से। फाइट को ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको भी मारता हूँ, यही था मेरा दुश्मन, इसी ने लोगों को तंग किया, इसी ने लोगों को जहर डाला, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ऐसा कोई नहीं सोचेगा, रेयरली कोई सोचेगा। वो कौन लोग हैं जो ऐसा सोचेंगे? अधिकतर लोग भागेंगे, मेरे जैसे लोग, अधिकतर लोग सांप को देख के डर के मारे भाग जाएंगे। लेकिन कोई कोई हो सकता है जो कि जिसके अंदर फियरलेसनेस हो, इसे कहते हैं फियरलेसनेस थ्योरी, इसको मैं आगे बताऊंगा, उसके लिए मुझे उदाहरण यूज करना पड़ेगा। और ये उदाहरण है खरगोश का उदाहरण। खरगोश के ऊपर रिसर्च किया गया, रिसर्च पेपर सामने आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, उसमें आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि खरगोश का बेसिक बिहेवियर, बेसिक इंस्टिंक्ट तो यही रहता है कि इंसान के सामने आएगा तो डर के भागेगा। लेकिन लाखों में कुछ खरगोश ऐसे भी होंगे जो भागने को चूज ना करके आपको अटैक करने को चूज करेंगे। तो वो वाले खरगोश कौन से हैं, इसको अगर डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की साइंटिस्ट ने, तो देखा जिन खरगोश का रेस्टिंग हार्ट रेट, जब आप रेस्ट में हैं उस वक्त आपका पल्स रेट क्या है, उसको वक्त आपका हार्ट रेट क्या है, उसे कहते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। जिन खरगोश का रेस्टिंग हार्ट रेट
सबसे कम होता है इन कंपैरिजन टू बाकी खरगोश के, उनका जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है वो फ्लाइट ना होके फाइट हो जाता है। तो यही वाला एक्सपेरिमेंट बबून पे किया गया, बंदरों पे किया गया कि कौन से बंदर हैं बंदरों में से जो बहादुर है, जिसके अंदर फियरलेसनेस है, जिसके अंदर मौत का खौफ नहीं है, जो फ्लाइट ना चूज करके फाइट चूज करे, चाहे सामने कोई शेर ही आ जाए तब भी। तो ये देखा गया बंदरों में भी बबून में भी, जिन एनिमल्स का एमंग द ग्रुप रेस्टिंग हार्ट रेट सबसे कम होता है वो फियरलेसनेस थ्योरी के अनुसार वो फाइट को चूज करते हैं, फ्लाइट को नहीं चूज करते हैं। अब इंसान की बात करते हैं, इंसान में भी ये देखा गया, ये रिसर्च पेपर आपके आंखों के सामने, इसमें आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि इंसान में देखा गया जिन इंसान का रेस्टिंग हार्ट रेट सबसे कम होता है उनका जो बिहेवियर होता है इंस्टेड ऑफ फ्लाइट दे विल गो फॉर फाइट, राइट। तो अब आते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट ये कि जैसे ही कुलविंदर कौर ने देखा कंगना रनौत को, या मान लो आप भी किसी को जब देखते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई स्टार हो, कोई दोस्त हो या कोई दुश्मन हो, तो खटाखट हमारे अनगिनत मेमोरीज में से वो मेमोरी सामने आ जाती है और उन मेमोरीज को देख के हम ये सोचते हैं, परसीव करते हैं कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए, लड़ना चाहिए, भागना चाहिए, ये सारा कुछ एक पल में तय हो जाता है। तो चाहे वो इंसान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आपके दिमाग में जो इतने सालों में उस इंसान ने मेमोरीज भरी, वो अच्छी मेमोरीज भरी, बुरी मेमोरीज भरी, उस पर डिसाइड होता है कि आपका बिहेवियर, आपका एक्शन क्या होना चाहिए। तो लेकिन अगर वो जो मेमोरीज हैं वो खराब मेमोरीज हैं, डरावनी मेमोरीज हैं या घृणापूर्ण मेमोरीज हैं, तो जो मेरा एक्शन होगा फॉर मोस्ट ऑफ द अस इंक्लूडिंग मी, फ्लाइट, भागो, बचो, इग्नोर करो, राइट। लेकिन कुछ लोग जिनका रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत ही कम होता है वो फाइट बैक, राइट। चाहे वो प्रोवोक नहीं किया सामने वाले बंदे ने, लेकिन उसकी जो मेमोरीज हैं बचपन से लेके या काफ़ी सालों से लेके जो मेमोरीज उसने खुद ही इम्प्लांट किया दूसरे इंसान के अंदर, उस मेमोरीज के बेसिस पे आपका बिहेवियर डिसाइड होता है। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि हम सब में जितने भी इंसान हैं, जो इंसान जिनका रेस्टिंग हार्ट रेट सबसे लो होगा, चांसेस आर कि वो सबसे ज़्यादा फियरलेस होगा, फियरलेस होगा। तो अब अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें, कई लोग पूछते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, फिर मैं उसी पे आ जाता हूँ कि ये चिंगारी और ये केरोसिन, ये अगर दोनों मिल जाएं तो आग लग गई, तो किसने आग लगाई, चिंगारी ने आग लगाई या फिर केरोसिन ने आग लगाई, सर्कमस्टेंस ने आग लगाई। अगर आप चाहते हैं कि आग ना लगे तो इन दोनों को अलग अलग रखिए, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो बेसिक बिहेवियर यही होगा कि आग लगनी ही लगनी है, राइट। तो इसमें इसको बचा नहीं सकते। तो अब अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें, तो आप जितने भी चैनल्स में, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उनके यूट्यूब चैनल्स हो, जिसमें ये खबर चली है, सब जगह चली है, कई कई बार चली है, उनके कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो आप देखेंगे 99.9% लोग कुलविंदर कौर को ही फेवर कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया, भारत रत्न मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या फिर पद्मभूषण, पद्मश्री मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। जबकि अगर हम देखें लॉ वाइज तो ये अनलॉफुल है जो उन्होंने किया, थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था, वो लॉ के खिलाफ काम किया। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ क्यों है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास में चलते हैं। जब भगत सिंह ने संसद पे बम फोड़ा तो उस वक्त वो कानून के दायरे में वो एक गुनहगार थे, एक टेररिस्ट थे, लेकिन पूरा देश ने उनको हीरो माना, आज भी वो हीरो हैं, आपके हीरो हैं, मेरे हीरो हैं। पब्लिक सेंटिमेंट क्यों उनके साथ है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कानून तोड़ा या कानून को नहीं तोड़ा, इसलिए क्योंकि पब्लिक के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति खूब सारी मेमोरीज जमा होती गई, जो कि उसी तरह से है जैसे कि सांप के प्रति हमारी मेमोरीज जमा है, और सारी की सारी मेमोरीज हमारी खराब मेमोरीज हैं, गड़बड़ मेमोरीज हैं और घृणापूर्ण मेमोरीज हैं, डेंजरस मेमोरीज हैं, एक थ्रेटनिंग मेमोरीज हैं। लेकिन करोड़ों भारतीय जिनमें रेस्पॉन्स क्या आएगा, अंग्रेज से बचो, भागो, छुपो, डरो, कुछ मत बोलो, राइट। लेकिन उनमें से कोई एक भगत सिंह भी हो सकता है जिसका रेस्टिंग हार्ट रेट या जो कि फेयरलेसनेस थ्योरी के अनुसार इंस्टेड ऑफ डरो वो फाइट बैक, लड़ो। ऐसे ही लोग बनते हैं भगत सिंह, ऐसे ही लोग बनते हैं झांसी की रानी, जो बहुत लोग नहीं हो सकते लेकिन ऐसे लोग होते हैं, राइट। तो
कानून क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है। इट इज़ अ फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। इंसान में ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग फ्लाइट करेंगे, लेकिन थोड़े लोग जो हीरो हैं वो फाइट भी करेंगे, राइट। तो दैट इज़ हाउ भगत सिंह पैदा हुए, दैट इज़ हाउ चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए, दैट इज़ हाउ सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। इट इज़ द फाइट रादर देन फ्लाइट। तो आता है कि आगे का रास्ता क्या होगा, अगर तो कंगना रनौत या ये हादसा दोबारा ना हो, इससे बचना हो तो क्या होगा, क्या करना होगा। तो ये समझना होगा, आपने देखा कल के स्टेटमेंट में भी उन्होंने पंजाब को टेररिज्म से जोड़ दिया। पंजाब में मेरा पूरा बचपन बीता है, मेरी पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई है, चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, स्कूल केंद्रीय विद्यालय से हुई है, और हमारे दो दो हॉस्पिटल पंजाब में ही हैं। सबसे ज़्यादा समय अगर मैंने कहीं बिताया अपने जीवन को तो पंजाब के इर्द गिर्द या पंजाब में बिताया है, वहाँ काम भी किया है, पढ़ाई भी किया है, घूमने भी गए हैं। तो अभी मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है और मैंने कभी भी वहाँ मुझे ना तो कोई टेररिज्म दिखा और ना ही मुझे कोई लत लगी किसी भी ड्रग्स की, राइट। तो लेकिन जो उनका स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट भी पुराने और ख़राब मेमोरी की तरह जुड़ते चले जाएंगे, और ऐसे में कोई ऐसे कुलविंदर कौर की तरह कोई सामने आ गया तो यही वाला इवेंट, हादसा नहीं इवेंट, दोबारा भी हो सकता है उनके साथ। तो इसको बचने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि जब भी आप कुछ भी बोलें तो याद रखें वो किसी और के दिमाग में एक मेमोरी के रूप में इकट्ठा होता जाएगा, और जब भी आप उनके सामने आएंगे तो खटाखट खटाखट वो सारी मेमोरीज़ भी उनकी आंखों के सामने आएगी, और तब अगर आप प्रोवोक करेंगे या कोई रिएक्शन नहीं भी देंगे तो दूसरी तरफ से रिएक्शन आने वाला है, डिपेंडिंग ऑन आपने जो बीज बोया है वो किस प्रकार का है। तो इस तरह के बीज या तो ना बोएं, या फिर दूसरा एक और रास्ता है, ये रास्ता वही वाला है जो आज से 4 साल पहले एक प्रोपेगेंडा के तहत किया गया था कि जो भी इंसान एयरपोर्ट में जाएगा उसका एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो फिर उड़ जाएगा, वो टेस्ट होगा उसमें अगर वो पॉजिटिव पाया गया टेस्ट रिपोर्ट में तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ऐसा मेगा स्केल में किया गया, करोड़ों करोड़ों रुपये बर्बाद किए गए। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सलाह है, मशवरा है कि ये देखा जाए कि किनका रेस्टिंग हार्ट रेट सबसे कम है, राइट, और फिर उनके आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए, और ऐसे लोग जो दूसरे के दिमाग में डेंजरस बातें घुसाते हैं तो वो दूर से पहचान जाएंगे कि भाई ये जो इंसान है इसका रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत कम दिखा रहा है, मे बी 37, तो इनसे थोड़ा दूर ही रहो। तो यानी कि आपको दोनों को दूर रखना होगा, दूर नहीं रखेंगे तो ये सेम इवेंट सेम इंसिडेंट दोबारा भी हो सकता है। तो खैर जो भी मैंने बोला वो साइंस के अनुसार बोला, जो भी मैंने बोला इसमें थोड़ा बहुत इतिहास का सहारा लिया, जो भी मैंने बोला वो पब्लिक ओपिनियन का सहारा लिया। आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आप देखिए। जिस तरह से आपने देखा हज़ारों चैनल्स में ये न्यूज़ आया, लेकिन सब चैनल के अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो फेवर कुलविंदर कौर का ही कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सब लोग भी थप्पड़ मारेंगे या हिट करेंगे या वायलेंट होंगे, क्योंकि लेकिन वो सारे लोग इसका मतलब फ्लाइट को चूज़ करते हैं, फ्लाइट को, बचो भागो छोड़ो, राइट, या मनी मन गुस्सा करेंगे लेकिन वो फाइट मोड में नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू द फेयरलेसनेस थ्योरी। जितना मेरा अनुभव है जालंधर का, जहाँ हमारा हॉस्पिटल है, डेरा बसरी जहाँ हॉस्पिटल है, हमने देखा है कि पंजाब में जो लोग हैं उनका रेस्टिंग हार्ट रेट इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस थोड़ा लो ही रहता है। इसीलिए शायद पंजाब के लोग थोड़े फियरलेस हैं, इसीलिए शायद भगत सिंह जैसे लोग अधिकतर पंजाब में पैदा होते हैं, बाकी जगह भी पैदा होते हैं, सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल में पैदा हुए। तो इस तरह के कुलविंदर जैसे लोग या फिर भगत सिंह जैसे लोग या फिर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पूरे देश में कहीं भी पैदा हो सकते हैं। मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो थप्पड़ मार के ठीक किया या नहीं ठीक किया, लेकिन साइंस क्या कहता है और वो साइंस के हिसाब से क्या होता है, क्या हो सकता है, उन प्रोबेबिलिटी पे ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं, आपके काउंटर क्वेश्चन क्या हैं, आपके काउंटर आर्गूमेंट क्या हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं खुद कमेंट बॉक्स पढ़ूँगा और आपके कमेंट पे आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू साइंटिफिकली। तो ये है साइंटिफिक विश्लेषण थप्पड़ का साइंस। थैंक यू, जय हिंद।